नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड बेटर थिंग्स विद केतु। आज हम आपको एक बहुत ही पावन काली मंदिर जो कि कोलकाता शहर में स्थित है वो उसका दर्शन कराने वाले हैं, जिसका नाम है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूजा सामग्री की दुकानें और दूर मंदिर आप देख सकते हैं, जो कि हमारा आज का लक्ष्य है वहां तक पहुंचना और आपको वहां का पूरा दर्शन कराना और जो भी ज़रूरी जानकारी है आप तक पहुंचाना। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर का यह दृश्य। अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार के तरफ प्रवेश कर चुके हैं और एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आपको हम निमंत्रण करेंगे, आप यहाँ आइए और एक बार ज़रूर काली माँ का दर्शन करिए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जो भी कृति है वह देखिए। अभी आप देख सकते हैं जितने मत उतने पद स्वामी जी की मूर्ति, और यहाँ से मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। कोरोना को लेकर सुरक्षा काफ़ी अच्छी है। बाएं बगल आप देख सकते हैं चप्पल जूता और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने की व्यवस्था है। और एक ज़रूरी जानकारी आपको, आप मंदिर के अंदर जहां मूर्ति है, शिवलिंग है, वहां आप मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरा लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अभी हम आपको मंदिर का प्रांगण दिखा रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा जो कि काफ़ी सुंदर है, 6 नारियल पेड़, बीच में उनकी मूर्ति। अभी पराशर आप देख सकते हैं दूर मंदिर। अब थोड़े देर में हम अपना सामान जमा कर और मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब हम मंदिर के अंदर सामान जमा कर मंदिर में जा चुके हैं। उसके बाद की झलक यह मंदिर जो कि हुगली नदी के किनारे है, और आप देख सकते हैं बेलघरिया एक्सप्रेसवे, विवेकानंद सेतु और यहाँ पर हुगली नदी का किनारा, इतना सुंदर दृश्य है। हुगली नदी, इसी नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। अब आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रमुख शिष्य लोग को एक एक करके देख रहे हैं, जिनकी मूर्ति हुगली नदी के ठीक किनारे स्थापित की गई है। यहाँ पर लगभग 20 मूर्ति हैं जो कि उनके अलग अलग जो शिष्य हैं। अभी आप स्वामी परमानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, ऐसे करके उनके जितने भी प्रमुख शिष्य थे उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। यह एक पार्क है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, और आप पार्क के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हमने भी बाहर से ही यह वीडियो बनाया है। आप देख रहे हैं एक एक करके इनके जितने भी शिष्य थे उनके बारे में। यह एक किनारा या एक घाट था, मुख्य तौर पर यहाँ पर दो घाट है दक्षिणेश्वर में, जो कि एक मंदिर के ठीक पीछे और दूसरा लगभग 100 मीटर के दूरी पर है। यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। तो एक बार फिर से दूसरे तरफ से हम आपको स्वामी जी के प्रमुख शिष्यों को दिखा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं।
स्वामी तुरियानंद। उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य जो कि स्वामी विवेकानंद थे और उसके बाद उनके प्रमुख शिष्य की भी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है जिसे आप अभी देख रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य मंदिर के पीछे से आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। यहाँ पर कुल 12 शिवलिंग हैं जो कि एक एक करके अभी आप 6 देखे और दाहिने बगल और 6 थे, और यह जो किनारा है एट दक्षिणेश्वर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा देख रेख किया जाता है इसका। यह सेतु आप देख सकते हैं ठीक उस बगल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट और इधर कोलकाता नॉर्थ 24 परगना। यहाँ पर आप अलग अलग जो मंदिर है वो देख सकते हैं। मंदिर के सामने से आप देख सकते हैं यहाँ पर लोका माता रानी रसमोनी, और यह एक पुस्तकालय स्वामी जी के द्वारा स्थापित की गई। अभी यह बंद है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद सामग्री की दुकानें जो कि काफ़ी मात्रा में हैं, और आप देख सकते हैं कुल 58 दुकानें यहाँ पर हैं, और प्रांगण के बाहर और भी बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पर बर्तन शंख शिवलिंग वगैरह फ़ोटो ये सब आपको मिल सकता है। अब हम इस पोस्ट के अंत में प्रवेश कर रहे हैं, और आपको यह कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, और अगर कोई त्रुटि है तो भी बताइए ताकि हम उसे सुधार कर सकें। अब आपको दक्षिणेश्वर काली मंदिर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, हमें लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगा, नहीं लगा तो हमें कमेंट करके बताइए हमारी कमी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।